एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास 9 में आपका स्वागत है, जिसमें आपको मिलता है बेसिक टू एडवांस मेकअप कोर्स। और आपके साथ हो चुके हैं मेरी 8 क्लासेस, जिसमें हम सारे स्टेप्स काफ़ी हद तक क्लियर कर चुके हैं। बेसिक टू एडवांस मेकअप कोर्स में आपको मैं स्टेप बाई स्टेप करके सारे मेकअप के स्टेप सिखा रही हूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना आए। तो आज हम बात करेंगे पाउडर के बारे में। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पाउडर हमारे मेकअप में बहुत अहम रोल प्ले करता है। पाउडर हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है, स्वेट प्रूफ करता है, हमारे बेस को मजबूत कर देता है। जैसे सीमेंट हमारी दीवार पे लगाओ सारा फिनिशिंग होने के बाद में, तो पकड़ मजबूत हो जाती है, उसी तरह से पाउडर भी हमारे बेस को एक स्ट्रॉन्गनेस देता है, वाटर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ बनाता है, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग अच्छे से स्टे कर सके। हमारे फेस के एक्स्ट्रा ऑयल को सोख लेता है, यानी कि कंट्रोल करता है, हमारे ऑयल को एक बैलेंस देता है। पाउडर लगाते हैं तो हमारी फाइन लाइन, क्रीज सब सेट हो जाती हैं और ब्लर हो जाती है, यही मेन काम पाउडर का होता है। पाउडर हमारे फेस को एक फिनिश लुक देता है, जिससे कि हम अपने मेकअप के आगे के स्टेप्स कंप्लीट कर सकते हैं। और पाउडर कितनी तरह के होते हैं, बात करेंगे सेकेंड स्टेप में, कि पाउडर होते हैं दो तरह से। स्किन पर कौन सा पाउडर लगाएंगे, तो हम ऑयली स्किन पे मैटिफाइंग पाउडर लगाएंगे, स्किन पे हम एक ड्यूई फिनिश वाला ट्रांसलूशन पाउडर लगाएंगे। एक्सप्लेन करूँगी पाउडर कितने तरह के होते हैं, ताकि हम जानें और किस तरह से हमें उन्हें चूज़ करना। तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाती हूँ और साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, ब्लैक बोर्ड पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास पाउडर टाइप क्या होता है और कितने तरह के पाउडर्स हमें मिलते हैं, जिसमें हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले आता है लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर में भी तीन तरह के पाउडर आते हैं, ट्रांसलूशन पाउडर, बनाना पाउडर एंड स्किन टोन। स्किन टोन जैसे आप जानते हैं, वार्म, कूल, न्यूट्रल। तो पाउडर को आगे देखते हैं, तो ये हो गए हमारे स्किन टोन। के बाद टर्न आती है कॉम्पैक्ट पाउडर के। कॉम्पैक्ट पाउडर जो होते हैं, वो इससे प्रेस पाउडर भी कहा जाता है। एंड थर्ड आता है हमारा एचडी पाउडर। एचडी पाउडर होता है हाई डेफिनेशन पाउडर होता है, ये सिलिकॉन बेस होता है, आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी विथ प्रोडक्ट। एंड फोर हमारा आता है फिनिशिंग पाउडर, ये मेकअप के बाद लगता है, जब हम सारा मेकअप कर लेते हैं, एक फिनिश लुक देने के लिए फिनिशिंग पाउडर का यूज। जब भी हम पाउडर लेने जाते हैं, हमें समझ होनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कौन सा पाउडर लेना है और हमारी स्किन पे कौन सा पाउडर जाएगा। जैसे कि पाउडर्स में होते हैं कि जैसे ट्रांसलूशन पाउडर, ये लूज़ पाउडर में आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लूज़ पाउडर होता है। कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, देखिए ये जैसे मैक का है, मैक का ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर, ये एले गर्ल का एक कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये प्रेस पाउडर भी कहलाते हैं। तो मैं इनको डिटेल में आपको सबको बताती हूँ कि आप कैसे चूज़ करेंगे इन सब, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। प्रोडक्ट भी साथ साथ दिखा देती हूँ। देखिए, लूज़ पाउडर में ये शनैल का लूज़ पाउडर है, ये बहुत ही फाइन क्वालिटी में आता है। लूज़ पाउडर वैसे भी बहुत बारीक होते हैं, बिल्कुल आराम से ईजिली सेट हो जाते हैं। एंड फॉरएवर 52 का ये लूज़ पाउडर है, एंड देखिए क्रायलोन का ये लूज़ पाउडर है। तो आप आराम से इसको जस्ट कर सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे पास लूज़ पाउडर हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो आपने कौन सा लेना है। तो लूज़ पाउडर ज़्यादातर आइवरी कलर वाले या फेयर कलर, फेयर टू मीडियम कलर के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत आसानी से स्किन पे जाके मर्ज हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी अपना, ये ट्रांजी होते हैं, कोई भी अपना कलर नहीं होता। लेकिन हम बात करेंगे बनाना पाउडर की। बनाना पाउडर कौन से स्किन पर लगाया जाता है? पाउडर मीडियम टू डार्क स्किन पर आप ले सकते हैं। जैसे ट्रांसलूशन पाउडर हमारे फेयर टू मीडियम स्किन पर हम यूज़ कर सकते हैं, ये एक शीन लुक दे देते हैं, ये मर्ज हो जाता है, इसमें कोई कलर नहीं होता लूज़ पाउडर में। उसी तरह से बनाना पाउडर की एक स्पेशलिटी होती है, ये बनाना क्योंकि येलो होता है, ये एक येलो टिंट लिए हुए होता है, और ये व्हाइटिश कलर वालों को या मीडियम टू डार्क के अंदर सबको जाता है, ऑल टाइप स्किन पे भी जा सकता है, बट व्हाइटिश लोगों को थोड़ा मीडियम टू डार्क स्किन, जैसे टैन है, डीपिस्ट डार्क है या लाइट व्हाइटिश है, तो उनको बनाना पाउडर बहुत ही अच्छे से मेकअप को एडजस्ट कर देता है, शीन कर देता है, आपके जो फॉल्स हैं उनको ब्लर कर देता है। देखिए, इसका कलर भी कुछ येलो टोन लिए होता है, जैसे बनाना का नाम से ही प्रूव होता है कि क्या इसका रंग होगा। लूज़ पाउडर में थर्ड हमारा पॉइंट आता है स्किन टोन का। हम देख के ही हमने पाउडर को चूज़ करना है, वो बहुत ही सेफ गेम है कि आपने कौन सा लेना है, आपने वार्म लेना है, कूल लेना है, न्यूट्रल लेना है, ये सब मेंशन होता है पाउडर के ऊपर, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर की, इसे प्रेस पाउडर भी कहा जाता है। जैसे ट्रांसलूशन पाउडर बिल्कुल बारीक होता है, पाउडर की तरह होता है, लूज़ पाउडर होता है, चाहे वो ट्रांसलूशन हो चाहे बनाना पाउडर हो, लेकिन ये कॉम्पैक्ट आता है, ये एक जमा हुआ होता है। जैसे देखिए, ये मैक का है, कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये एक सेटिंग पाउडर भी इसको कहते हैं, एंड ये मेबलिन का है, देखिए इसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसलूशन पाउडर हमारे मेकअप को सेट कर देता है, बट वहीं थोड़ा बारीक होता है या लाइट वेट होता है। कॉम्पैक्ट पाउडर उसी के अपोजिट थोड़ा सा हैवी होता है, मेकअप को ज़्यादा अच्छे से सेट रखता है, इसे सेटिंग
पाउडर भी इसीलिए कहा जाता है, चलाना है, सब यूज़ ही करते हैं, बट हमें कौन सी स्किन पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है एंड कौन सी स्किन पे लूज़ पाउडर यूज़ करना है। अगर आप नॉर्मल स्किन वाले हैं, नॉर्मल टू ड्राई हैं, तो आप ट्रांसलूशन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये आपके ऑयल को बैलेंस कर देता है, क्योंकि ये एक थोड़ा हैवी होता है, ये अच्छे से इसकी कवरेज बहुत अच्छे से आती है और आपके ऑयल को भी ये बैलेंस करता है। बात करेंगे एचडी पाउडर की। एचडी पाउडर क्या होता है? हाई डेफिनेशन पाउडर। इसमें सिलिकॉन मिक्स होता है, ये सिलिकॉन बेस होता है और ये हमारे फेस को एक फिनिशिंग लुक देता है। इससे फोटोग्राफ्स बड़े अच्छे आते हैं, बहुत अच्छी फिनिश आती है। लेकिन प्रो का ये हाई डेफिनेशन पाउडर है, ये बहुत ही अच्छे से मेकअप को सेट कर देता है एंड स्वेट प्रूफ भी बनाता है। मैक का ये आप देख सकते हैं, आप ले सकते हैं। फोरायर 52 का ये है एचडी पाउडर है, तो इसमें अलग अलग तरह के पाउडर्स आते हैं, तो आप एचडी पाउडर लेके अपने मेकअप को एक हाई डेफिनेशन लुक दे सकते हैं, एक हाई डेफिनेशन फाइन दे सकते हैं, फिनिशिंग दे सकते हैं। तो आपने जाना ना कि हमारे पाउडर कैसे कैसे होते हैं। लास्ट में आता है फिनिशिंग पाउडर, मेकअप के सबसे लास्ट में यूज़ किया जाता है एक फिनिश लुक देने के लिए। जो होता है वो बहुत ही बारीक एंड एक वाइट सा कलर लिए होता है, देखिए बिल्कुल वाइट है ये एंड बिल्कुल बारीक होता है ये। आप देखें, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, कलर देखिए बिल्कुल इसका वाइट है, क्राइलोन का है ये एंड बहुत अच्छे से एक वाइट लुक देता है। फिनिशिंग बहुत बारीक होता है, बड़े अच्छे से मेल्ट हो जाता है। आप देखें, हाथ से मैं लगाए नज़र भी नहीं आ रहा और बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है। मेकअप करते करते जो हमारे स्किन पे एक ऑयल आ जाता है या कहिए कि कहीं फाइन लाइन क्रीज दोबारा से आ जाते हैं, हम फिनिशिंग पाउडर हम बाद में यूज़ करते हैं, लगा के छोड़ देते हैं, फिर इसको ब्रश से ब्लेंड कर देते हैं। जब मैं आपके साथ प्रैक्टिकल क्लास करूँगी तो आपको उसके बारे में भी बताऊँगी। फिनिशिंग पाउडर सबसे लास्ट में किया जाता है यूज़। मार्केट में जब भी आप खरीदने जाएंगे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी और प्रोडक्ट के बारे में तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। सबके ऊपर मेंशन होता है कि ये लूज़ पाउडर है, ये बनाना पाउडर है, ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये ट्रांसलूशन पाउडर है। और कोशिश करें आप एक अच्छे ब्रांड का ही खरीदें। आप लॉरेल से स्टार्ट करें, मैक ले सकते हैं, लोरा मर्सिया ले सकते हैं, नार्स ले सकते हैं, बॉबी ब्राउन ले सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन वाले मैटिफाई पाउडर का ही यूज़ करें एंड ड्राई स्किन वाले थोड़ी ड्यूई फिनिशिंग वाले ट्रांसलूशन पाउडर का यूज़ करें। तो आपने देखा ना कि कैसे आपने पाउडर को सिलेक्ट किया और जाना। पूरी वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि कोई भी पार्ट स्किप ना करिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। आगे मैंने क्वेश्चन का एक वीडियो बनाना है। आपकी जितनी भी क्वेश्चन हैं, इंक्वायरीज हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो मैं आपका कोशिश करूँगी कि एक क्वेश्चन आंसर Q&A का एक अलग से वीडियो बना दूँ जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में आपके साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। बाय बाय, टेक केयर।